नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया। ओली ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत से आने वाले लोग उनके देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैला रहे हैं। बता दें कि नेपाल में सोमवार को कोरोना वायरस के 72 नए मामले सामने आए, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 675 हो गई। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। कोरोना संकट से परेशान नेपाल के पीएम ने कहा कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में नेपाल में मृत्यु दर कम है। भारत से आने वाले लोग बिना उचित जांच के आ रहे हैं, जिससे कोविड-19 का और अधिक प्रसार हो रहा है। आप नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बयान सुनिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रोटोकॉल अनुरूप घर फर्कने को सीमा पार गर्नु अघि अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने थियो, जसले महामारीलाई समुदाय स्तरमा फैलिनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्थ्यो। तर छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट अधिकांश घर फर्कनेहरू नियमको पालना र परीक्षण बिना नै अनेक कष्ट झेल्दै ठूलो संख्यामा सीमा पार गरिरहनु भएको छ। परीक्षणको अभावमा महामारी तीव्र गतिमा फैलिनमा यसले पनि योगदान गरिरहेको छ। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि जब से मानसरोवर सड़क की बात चली है, तभी से नेपाल बिफर गया है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब नेपाली पीएम ने कोरोना को लेकर भारत पर आरोप लगाए। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि चीन के वुहान से निकले वायरस के मुकाबले भारतीय वायरस ज्यादा खतरनाक है। नेपाली पीएम ने अपने देश में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए भारत को दोषी ठहराते हुए कहा है कि चीनी और इतालवी की तुलना में भारत का वायरस अधिक घातक लगता है। नेपाल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन 2 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। नेपाल उन देशों में से है जहाँ कोरोना वायरस के मामले सबसे कम आए। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार सोमवार को संक्रमण के 72 नए मामले सामने आए। ये संख्या किसी एक दिन में सबसे उच्च स्तर है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 675 हो गई। नेपाल में 24 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नेपाली भारत पर इतने आक्रामक हो गए और एक से बढ़कर एक विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन भारत संयमित है और नेपाल के उकसावे में नहीं आ रहा।